नए एनालिसिस वीडियो में मैंने बताया था दोस्तों कि जैसे ही इस जोन में निफ्टी बैंक निफ्टी आएगी, यहाँ पे मार्केट जो है होल्ड कर सकती है, साइडवेज हो सकती है, और बिल्कुल मार्केट साइडवेज रही। आप देख पा रहे हैं पूरा दिन आज मार्केट साइडवेज रही। निफ्टी में भी दिखा देती हूँ निफ्टी के चार्ट को ओपन करके। बिल्कुल मैंने एनालिसिस वीडियो में बताया था वैसे ही हुआ था, और ये भी बताया था अगर आप इस जोन में अगर ट्रेड करोगे तो आप ट्रैप हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है होल्ड कर सकती है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखिए। फिन निफ्टी में भी अच्छा खासा साइडवेज मार्केट रहा आज के दिन, और वीकली एनालिसिस वीडियो में भी मैंने बताया था, जो वीकली एनालिसिस वीडियो मैंने बनाई थी उसमें भी मैंने बताया था कि मार्केट जो है साइडवेज रह सकती है इस जोन में आने के बाद। तो अभी मार्केट जो है इसी जोन में है, अगर इसी जोन में ओपन होती है मार्केट तो फिर से इसी जोन में फंस सकती है, साइडवेज रह सकती है। तो इस जोन में जब तक मार्केट है आपको मार्केट को अवॉइड करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं लेवल क्या निकल के आ रहे हैं। अपसाइड के लिए जो लेवल है निफ्टी में वो है 18,171 का पहला टारगेट, 18,197 का हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। और डाउन साइड के लिए जो निफ्टी में टारगेट निकल के आ रहे हैं वो है 18,086 का, 18,052 का हमारे पास दूसरा टारगेट निफ्टी में निकल के आ रहा है। ये टारगेट हम पुट साइड एंट्री लेके अचीव कर सकते हैं, और ये जो टारगेट है वो हम कॉल साइड एंट्री लेके अचीव कर सकते हैं निफ्टी में। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में मुझे अच्छे खासे टारगेट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी के टारगेट आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो लेवल है रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया हुआ है, और ये लेवल सपोर्ट के जैसे बैंक निफ्टी में काम करने वाले हैं। समझ लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होकर, गैप ओपनिंग होकर, गैप डाउन ओपनिंग होकर ओपन होती है, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है पहला 43,469 का, दूसरा है 43,544 का। पुट साइड अगर हम एंट्री लेते हैं बैंक निफ्टी में तो पहला हमारा टारगेट रहेगा 43,276, दूसरा टारगेट है 43,212 का, तीसरा जो टारगेट है 43,086 का। फिन निफ्टी के लेवल देख लेते हैं। फिन निफ्टी में भी लेवल मैंने ड्रॉ कर रखे हैं। फिन निफ्टी में जो पहला हमारा अपसाइड के लिए टारगेट रहेगा वो 19,269 का रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 19,314 का लेवल। और पुट साइड जो एंट्री लेंगे उनके लिए ये टारगेट रहेगा, पहला टारगेट है 19,200 का, और दूसरा हमारा पुट साइड टारगेट रहेगा 19,148 का। ये फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल थे दोस्तों। एक बात मैं आज फिर से आपको बता देती हूँ, अगर इस जोन में मार्केट रहती है तो हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में। जब तक इस जोन से बाहर नहीं निकलती मार्केट, या तो अपसाइड या डाउन साइड मूवमेंट नहीं दिखाती ब्रेकआउट डे के या ब्रेकडाउन डे के, तब तक हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, ना पुट साइड ना कॉल साइड। ठीक है, ऑप्शन चेन देता जानेंगे, उसके बाद जानेंगे टिप क्या निकल के आ रही है निफ्टी बैंक निफ्टी में। ऑप्शन चेन देता मैंने निफ्टी का ओपन कर रखा है, निफ्टी ने आज क्लोजिंग दिया है 18,147 के लेवल पे। और अगर हम इसमें ओपन इंटरेस्ट देखें, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर बन रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं इसके ज़रिए। ऑप्शन चेन देता की वीडियो मैंने बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखिए, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं लाइव मार्केट में, वो आपको समझ आ जाएगा वो वीडियो के ज़रिए, और आप सीख जाओगे किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बना हुआ है वो 18,100 पे है, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 18,000 के लेवल पे मुझे नज़र आ रहा है। इस तरफ अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो लेवल है 18,200 का, और दूसरा जो ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे 18,300 पे। तो ये जो लेवल है हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निफ्टी में काम करने वाला है, जो है 18,100 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए निफ्टी में काम करेगा। एक और वीडियो मैंने दे रखी है आई बटन में, उसे ज़रूर जाके देखिए, ऑर्डर बुक की वीडियो है, और वो वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले है लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए, तो वो वीडियो को ज़रूर जाके देखिए, आई बटन में दे रखिए। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देता क्या बोल रहा है, 43,352 पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, और अगर हम इसका ओपन इंटरेस्ट देखे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर बैंक निफ्टी का देखे ऑप्शन चेन के हिसाब से, तो यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है 43,000 के लेवल पे नज़र आ रहा है, 1,31,000 मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इस तरफ अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 43,500 पे, और थोड़ा आगे जाएंगे तो हमें
यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, जो लेवल है यहाँ पे 40,900 का। तो ये जो लेवल है वो, सॉरी, ये लेवल 44,000 का है, 44,000, 43,500 और 43,000 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करेगा कल के दिन के लिए। तो इन लेवल को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मान सकते हैं कल के दिन के लिए। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं तो इन लेवल के जरिए कर सकते हैं, या फिर मैंने ये लेवल दे के स्कैल्पिंग करते हैं तो इस लेवल को भी आप अप्लाई कर सकते हैं लाइव मार्केट में। चलिए देख लेते हैं टिप क्या निकल के आ रही है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में। निफ्टी का अगर बात करें तो निफ्टी एक रिट्रेसमेंट लेवल पे आ सकती है, जो लेवल निकल के आ रहे हैं यहाँ पे 70,900 तक, आने वाले दिनों में आ सकती है, क्योंकि मुझे ये एक रिट्रेसमेंट लेवल निफ्टी में नज़र आ रहा है। उसके बाद जो निफ्टी है रिवर्सल यहाँ से ले सकती है। तो इस लेवल पे जैसे ही निफ्टी आएगी, एक बुलिश कैंडल बनाएगी, तो हम यहाँ पे रिवर्सल का प्लान करेंगे। तब तक निफ्टी डाउन साइड आ सकती है, ये मेरा नज़रिया है, आ सकती है दोस्तों, ये पक्का नहीं है कि आएगी, यहाँ से अपसाइड भी निकल सकती है। तो मार्केट में जो है 100% कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% वर्क नहीं करती, इंडिकेटर 100% वर्क नहीं करती, हमारे जो व्यू है वो भी 100% वर्क नहीं करते मार्केट में। तो ये मेरा व्यू है एक निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को लेके। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में जो है यहाँ पे मैंने लेवल बना रखा है रिट्रेसमेंट लेवल, और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी इस रिट्रेसमेंट लेवल पे आ सकती है आने वाले दिनों में। यहाँ से जैसे ही कोई बुलिश कैंडल मुझे दिखेगी तो हम यहाँ पे रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। तब तक जो है बैंक निफ्टी इस लेवल तक आ सकती है, जो लेवल है 42,860 का लेवल, आने वाले दिनों में आ सकती है इस लेवल तक बैंक निफ्टी। फिर निफ्टी में भी आप देख पा रहे हैं मैंने लेवल ड्रॉ करके रखे हैं, और ये जो लेवल है रिट्रेसमेंट फिन निफ्टी में बन रहा है, यहाँ तक रिट्रेसमेंट लेके लेने के लिए आएगी फिन निफ्टी, और यहाँ से फिर रिवर्सल ले सकती है। तो अगर पुट साइड एंट्री लेते हैं तो आपके टारगेट यहाँ तक ही होने चाहिए, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो, और अगर इंट्राडे करते हैं तो स्कैल्पिंग करके निकलिए, क्योंकि ये जो रिट्रेसमेंट लेवल जो होता है वो बहुत ही रिस्की होता है दोस्तों, कहीं से भी मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो ये थी दोस्तों टिप निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए कल के दिन के लिए। अगर आप स्कैल्पिंग करके करते हैं तो छोटे छोटे टारगेट लेके आप निकल सकते हैं, जब तक जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का रिट्रेसमेंट लेवल कंप्लीट नहीं होता। रिवर्सल के लिए प्लान कब करेंगे, जब सपोर्ट पे आके बुलिश कैंडल कोई दिखेगी हमें तो हम रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे। आने वाली वीडियो में मैं बता दूंगी, डेली एनालिसिस वीडियो में मैं बताती रहती हूँ आपको टिप, डेली आप टिप की मदद से किस तरह से प्रॉफिट लेके जा सकते हो। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में, वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के कल के दिन अच्छा खासा प्रॉफिट कर सके और एनालिसिस करना सीख सके। मेन बात तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो एनालिसिस करना सीख सकेंगे, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।